कहना चाहूंगा, हम लोगों ने नरवा गरवा घुरवा बारी की कल्पना की, गांव को समृद्ध बनाना है, नाला के पानी को खेत में पहुंचाने का काम, जो मवेशी खुले में चल रहे हैं गांव में हम गौठान बना रहे हैं, उसे घेरा करेंगे, उसे बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसे चारा की व्यवस्था करेंगे, चरवाहा की भी व्यवस्था करेंगे, और गोबर जो इकट्ठा होगा गोबर गैस प्लांट भी लगाएंगे, वहां कंपोस्ट खाद और वर्मी खाद भी बनाएंगे ताकि लोगों को मिल सके, फसल जो चराई हो रही है उसे बचाया जा सके, और जो मवेशी जो दूध कम देती है नस्ल सुधार करके दूध उत्पादन में बढ़ाएंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी चलो आओ मान दे नहीं मिलता, इस समय हमारी सरकार मान दे दीजिए, और गांव का रहिए गांव कृषि पे भार कम पड़े इसका हम पूरा कोशिश कर रहे हैं ताकि कृषि लाभकारी हो सके। मैं इस अवसर पर भाई यूडी बेंज को बधाई देना चाहता हूँ, नए विधायक है लेकिन सोच बहुत गहरी है। उन्होंने कहा क्या ट्रामा सेंटर खुलना चाहिए और हेल्थ मिनिस्टर तो ही बैठे हुए हैं। मैं ये घोटाला नहीं करूंगे, महाराज साहब लाएंगे उन दिन हम लोग शिलान्यास करेंगे। कुनकुरी में बैंक की शाखा, कुनकुरी में स्पोर्ट्स एकेडमी, यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था, व्यवर्तन योजना, नहर लाइन विस्तारीकरण, सिंचाई की व्यवस्था हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी हम लगाएंगे ताकि यहाँ के किसानों को लाभ मिले, रोजगार भी मिले और नौकरी भी मिले, टूरिस्ट हब, एडवेंचर स्पोर्ट्स